नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। पटना से प्रयागराज अब केवल 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि विशेषज्ञों की टीम देश में 12 रूटों की सर्वे रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी। ये ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेंगी। रेल मंत्रालय ने देश के ऐसे 12 रूटों का चयन किया है जो सबसे तेज और व्यस्त गलियारों में माने जाते हैं। इसका किराया भारत में फर्स्ट एसी के किराए से 1.5 गुना होगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन नई दिल्ली से गाजियाबाद वाया हापुड़ वाराणसी तक बुलेट ट्रेन की संभावनाओं को खंगाल रहा है। इसमें पटना प्रयागराज रूट भी शामिल है। इस कड़ी में जर्मनी की सर्वे टीम ने प्रथम चरण की रिपोर्ट बना ली है, जिसमें नई दिल्ली भोपाल, नई दिल्ली मुंबई, पुणे मुंबई, हैदराबाद चेन्नई, प्रयागराज पटना, बेंगलुरु चेन्नई, त्रिवेंद्रम शामिल है। इसमें नई दिल्ली मुरादाबाद वाराणसी पर विशेष फोकस है। बुलेट ट्रेन का रूट, यात्रियों की संख्या, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और जमीन की गुणवत्ता और उपलब्धता का आंकलन किया जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो केवल 3 घंटे में पटना से प्रयागराज पहुंचा जा सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।